हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे यूनिट फिफ्थ का इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक रिएजेंट इलेक्ट्रोफिल न्यूक्लियोफिल पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस रिएजेंट प्लस इजिकल्स टू प्रोडक्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कुछ किसी इनऑर्गेनिक रिएक्शन सम रिएजेंट आर इन्वॉल्व। तो हमें पता है जब हम कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, रिएजेंट भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो अटैक करता है सबस्ट्रेट पर, और सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व होता है जिसमें सबस्ट्रेट पर इन्वॉल्व अटैक करता है मॉलिक्यूल टू गिव प्रोडक्ट, और फिर मॉलिक्यूल एक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, जो हमारा होता है रिजल्टेंट, ठीक है। ऐसे इसी इक्वेशन में यही बताया गया है जिससे आपको डिफाइन याद हो सके। ऑर्गेनिक रिएजेंट, और इन रिएजेंट को हम जनरली बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट, ठीक है, और रिएक्शन रिएजेंट, ठीक है। ये तीन टाइप की होती हैं, इलेक्ट्रोफिल, न्यूक्लियोफिल और फ्री रेडिकल। तो इलेक्ट्रोफिल पढ़ेंगे हम सबसे पहले। इलेक्ट्रोफिल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग एजेंट और रिएजेंट होता है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग एजेंट, ठीक। दूसरे रिएजेंट इन विच एटम हैज़ डिफिशियंसी, ये वो रिएजेंट होते हैं जिसमें एटम के पास डिफिशियंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, और ड्यू टू इट्स कैपेबल, और उसके पास जो होता है वो कैपेबल होता है कि अट्रैक्ट कर पाए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि वो रिएजेंट होते हैं जिसमें एटम जो है वो एटम के पास जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, और इसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर सकता है, कैपेबल होता है अट्रैक्ट करने में इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। एक्विमिटेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिल, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिल, इसलिए हमने इसको बोला है इलेक्ट्रॉन लविंग एजेंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन कैपेबल कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अट्रैक्ट कर पाए इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रोफिल। इसमें एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, ऑल आर इलेक्ट्रोफिल, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिल एटम जो होते हैं वो डिफिशियंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, हमने पढ़ा है, कैपेबल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट कर सकते हैं इजीली इलेक्ट्रोफिल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिल अट्रैक्ट बाय सब्सट्रेट एट एन एटम विच हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं बाय सब्सट्रेट से, ठीक है, सब्सट्रेट भी इन्वॉल्व होता है इनमें। दिस इलेक्ट्रोफिल अटैक्ट एक्ट एज लुईस एसिड, और ये जो इलेक्ट्रोफिल होते हैं वो एक्ट करते हैं एज लुईस एसिड, और फॉर्म करते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन इन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एंड रिप्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से, ई पॉजिटिव से, ठीक है। ये तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग इलेक्ट्रोफिल, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं हमारे, ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिल। न्यूक्लियोफिल रिएजेंट कौन से होते हैं, वो रिएजेंट होते हैं जिसमें एटम जो होता है वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, मतलब वो शेयर नहीं कर सकता अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री स्टेट में भी, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिल, ठीक है। ये जो होते हैं नेगेटिव आयन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है, ये न्यूट्रल दे मे बी नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल है ऑल आयन इवन हाइड्राइड आयन आल्सो, ऑल आयन जितने भी आयन होते हैं वो हाइड्राइड आयन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियोफिल, इन न्यूक्लियोफिल एन एटम हैज़ फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिल में एटम के पास फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिल जो होता है अटैक्ट कर सकता है एटम ऑफ सब्सट्रेट एट विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोअर, न्यूक्लियोफिल अटैक करता है उन एटम पे जिनकी जो होती है डेंसिटी लोअर, सब्सट्रेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर होती है, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ के पास फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं पर वो कैपेबल नहीं होते कि वो डोनोट कर पाए किसी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। नेक्स्ट है एंड से डो नॉट एक्ट है, न्यूक्लियोफिल की तरह एक्ट नहीं करते, वो एक्ट करते हैं लुईस बेस की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिसिटी, दी स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिल इज डिफाइंड बाय एटम, जो स्ट्रेंथ होती है न्यूक्लियोफिल की डिफाइंड होती है टर्म से, जो जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन द रेट बाय ऑफ डोनेशन ऑफ फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो होता है बेस्ड होता है अपॉन रेट ऑफ डोनेशन ऑफ फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बेस्ड होता है किस पे, रेट ऑफ डोनेशन ऑफ फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, कि कितना फ्री पेयर ऑफ डोनेट कर पाए इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। एग्जांपल NH2CH3OHF, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बिडियंट न्यूक्लियोफिल, न्यूक्लियोफिल विच कैन अटैक अ सबस्ट्रेट थ्रू टू पॉसिबल साइड इज नोन एज एम्बिडियंट न्यूक्लियोफिल, न्यूक्लियो होता है जो अटैक करता है सबस्ट्रेट पे दो पॉसिबल साइड से, उसको हम कहते हैं एम्बिडियंट न्यूक्लियोफिल, ठीक है। एग्जांपल दिया है साइनाइड आयन, ठीक है। हेंस इन दीज टू आइटम हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट एज अ टाइम ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ये डोनेट कर सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एट अ टाइम पे, ओके। तो हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए अपडेट रहें, ठीक है, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट, ओके बाय।